हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लोब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन से शायद सिद्धांत सर के लेक्चर नहीं आ रहे हैं और कुछ दिन तक नहीं आएंगे, क्योंकि कल की ही बात है कि उनके जो पिताजी थे वो डेथ कर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रॉब्लम में होंगे। तो इस वक्त उनको हम सब की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, तो पर यह था कि लेक्चर डालते रहें ताकि आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहे, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो तो नहीं आ पाएंगे, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको इन्फॉर्म देता रहूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि जो डायनासोर होते हैं उनके अंडे पाए गए हैं। अंडे पाए गए हैं, इसका क्या मतलब है दोस्तों? अंडे पाए गए हैं, इसका ये मतलब है कि वहाँ पे अंडे का फॉसिल फ्यूल पाया गया, मतलब फॉसिल पाया गया है और अंडे के घोंसले पाए गए हैं। कहाँ पे पाया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश में एक धार विलेज है। ठीक है दोस्तों, ये विलेज कहाँ पे है? धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये पाया गया है। पर बहुत रोचक की बात ये है दोस्तों कि ये अंडे, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, जहाँ पे अंडे रखे थे, जब आप अंडा वहाँ से हटाएंगे, ठीक है, तो ऐसे कुछ निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पत्थर है, यहाँ पत्थर पे अगर अंडे होंगे, जब आप उसको हटाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, निशान बन जाएगा, एक तरीके से गड्ढा हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि अंडे जो होते हैं गोले होते हैं और वो अंडे, मैं आपको बता दूँ, पत्थर की तरह दिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पत्थर की तरह है। ठीक है, और ये अंडे से पत्थर की तरह होते नहीं हैं, इसके अंदर क्या होता है, फॉसिल होता है। किसका होता है? जो डायनासोर के बच्चे होते हैं उनका फॉसिल होता है। जब आप इसको तोड़ के देखेंगे तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे इनके अंदर हड्डियाँ हैं, ये गोला सा होता है, ये डायनासोर के अंडे हैं। लेकिन दोस्तों, रोचक की बात ये है कि ये अब पता चला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो धार जिले, जो धार डिस्ट्रिक्ट है, या वहाँ पे जो गांव है, वहाँ पे क्या ऐसे पहाड़ की जगह, पहाड़ की तरह पूरा एरिया खाली है, वहाँ पे बड़े बड़े चट्टाने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो चट्टाने थी, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, वहाँ पे जो चट्टाने थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे खेलते कूदते थे, वहाँ पे काम करते थे, तो कभी कभी उनको ये चट्टाने मिल जाया करती थी, तो वो लोग उसे एज ए जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसे वही समझते थे और क्या करते थे, उसको कुछ लोग अपने घर ले जाते थे, कुछ बच्चे उससे खेलते थे। लेकिन क्या होता है, कुछ वक्त के बाद दोस्तों ये होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उस पत्थर का इस्तेमाल वो क्या करते हैं, उस पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आकृति बना के उसकी पूजा करने लगते हैं, उसका पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कई साल बाद अब क्या हो रहा है, जब कुछ साल पहले क्या था, वहाँ पे जो बड़े बड़े वो होते हैं, मतलब जो रिसर्चर होते हैं, वो लोग आते थे और इनको क्या करते थे, इनको पे करते थे, उनको बोलते थे कि मैं इस पत्थर के लिए मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, या 1,00,000 रुपये दूंगा, 50,000 रुपये दूंगा। तो यहाँ के जो लोग थे सोचते थे, यार मुझे इस पत्थर के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मेरा क्या जा रहा है, तो वो देने लगे। तो ऐसे बहुत सारे सैलानी आते थे, बहुत से बाहर के लोग आते थे, वो पैसे पे करके इन चीज़ों को लेके जाते थे। इससे क्या होता है कि जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको कुछ डाउट होता है, ठीक है, जो इन सब फील्ड में रिसर्च करते हैं उनको कुछ डाउट होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। और जब वो इस पर लगातार उन पत्थरों को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो पत्थर है ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये क्या है, एक तरीके से डायनासोर का अंडा है। ठीक है, जब इसको आप फोड़ेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और इनको क्या मिलता है, वहाँ पर डायनासोर अंडे के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारा घोंसला भी मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि उसमें लगभग 300, ठीक है दोस्तों, 300 अंडे, मतलब अंडे जो फॉसिल अंडे हैं वो पाए गए हैं और घोंसले भी पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, चलिए तो ठीक है, यहाँ पे पाया गया है, पर इसकी साइज क्या है? देखिए, इसकी जो साइज है, देखिए काफ़ी बड़ी है। ठीक है, लगभग 65 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक क्या है, इसकी साइज है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये अंडा हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि लगभग ये 3 प्रकार के अंडे पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग 3 प्रकार के अंडे पाए गए हैं, और वहाँ पे जो अंडे निकाले जा रहे थे वहाँ पे पत्थरों के निशान भी पड़ जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर छोटे छोटे कई सारे निशान भी पड़े हुए हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो अंडे आप देख रहे हैं ये अंडे ही हैं उनके, डायनासोर के, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ अलग अलग वैरायटी के हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि इतनी मजबूत अंडे कैसे हो सकते हैं डायनासोर के, आखिर होता तो उसके अंदर भी क्या कहते हैं, जैसे मतलब जीव ही होता है। देखिए, जैसा कि आप देखेंगे, जैसे कोई मुर्गी का अंडा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब तक उसके अंदर अंडा नहीं, तब तक उसके अंदर प्रोटीन होता है,
उस वक्त अगर वो फूट जाए, उस वक्त उस पर कोई प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, जैसे उस वक्त अगर वो जल भी जाए तो आपको पता है क्या होगा कि उस तरीके से उसका कोई आकार आपको नहीं दिखेगा और वो अंडा कब खत्म हो जाएगा कोई पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या हो, जब वो अंडा जब बच्चा निकलने वाला हो उसमें से, ठीक है, जब बच्चा निकलने वाला हो उस वक्त अगर उसको तोड़ा जाए तो आपको क्या होगा, हड्डियाँ भी उसमें छोटी छोटी मिलेंगी। ठीक है, वैसे ही दोस्तों जो डायनासोर के अंडे थे, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे जो डायनासोर के अंडे होते हैं जब तक उसमें प्रोटीन्स है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो बड़े उसमें से जब डायनासोर निकलने वाले होते हैं उस वक्त अगर क्या हो उनको तोड़ा जाए तो आपको वो अंडे मतलब एक तरीके से उसमें आपको फॉसिल फ्यूल भी मिलेगा अगर काफ़ी वक्त उसको रखा जाए। जैसा कि आपको पता है 6.5 करोड़ साल पहले, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था कि जो डायनासोर थे वो हुआ करते थे, फिर आपको पता है कि उस वक्त क्या होता है, उल्कापिंड गिरता है, डायनासोर खत्म हो जाते हैं, वहीं पे सिचुएशन पैदा होती है जहां से अंडों का मिलना शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे सिचुएशन होती है कि जब वो मतलब उल्कापिंड गिरते हैं उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि जब जैसे उल्कापिंड गिरते हैं अब जो डायनासोर हैं उन बहुत सारे उन्होंने डायनासोर ने अंडे दिए हैं, ठीक है, माले मध्य प्रदेश का जो धार विलेज है, ठीक है, वहाँ पर क्या उन्होंने बहुत सारे अंडे दिए हैं। अब होता क्या है कि कुछ अंडे ऐसे हैं जो बहुत नए हैं, तो जब वो उल्कापिंड गिरा होगा तो वो तो खत्म हो गए होंगे, ठीक है, कुछ अंडे ऐसे होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे जिसमें वो निकलने वाले होंगे, जो काफ़ी तैयार हो चुके होंगे। उस वक्त क्या होता है जब बहुत ज़्यादा आग फैली होगी, बहुत ज़्यादा तूफान फैला होगा, वो पहाड़ों के नीचे दब गए होंगे, तो जाहिर सी बात है हड्डियाँ तो खत्म होंगी नहीं, तो हड्डियाँ वैसी की वैसी जमी रहेगी, वैसे ढकी रहेगी, ठीक है। अब जब क्या हो रहा है, खुदाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब जाकर उनको ये पता चल रहा है कि ये डायनासोर के अंडे थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे जो इस पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक पता लगा पाएंगे कि पहले के जो डायनासोर थे कैसे रहते थे, किस तरीके से वो विकसित हुए थे, ठीक है। आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स, एकदम समझ लीजिए वही कहानी है, बस यहाँ पे जो अंडा मिला है वो फॉसिल है एक तरीके से, मतलब जीवित अंडा नहीं है, ठीक है, जीवित अंडा मिल भी नहीं सकता उतने साल पहले पुराना, ठीक है। इससे रिसर्चर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो अंडा खोजा गया है ये पहली बार खोजा गया है, इससे पहले बहुत ज़्यादा अंडे खोजे चुके हैं। अभी फरवरी में ही मध्य प्रदेश के एक और जिले में सुंघाना करके कोई जिला था, वहाँ पे भी ऐसे 13 अंडे पाए गए थे, यहाँ पे तो ज़्यादा पाए गए, 300 अंडे पाए गए हैं और कई ज़्यादा वैरायटी में पाए गए हैं, वहाँ भी 13 अंडे ऐसे पाए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि बहुत नया है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहली बार जो अंडा खोजा गया था कहाँ खोजा गया था, पहली बार ये कब मिला, पहली बार कब पता चला कि इनके अंडे भी हमको मिल सकते हैं, तो देखिए जो पहली बार पता चला था 1853 में फ्रांस में पता चला था, ठीक है दोस्तों, वहाँ के एक पादरी थे, ठीक है, पृष्ठ थे, उन्होंने खोजा था एक तरीके से, वो इस फील्ड में भी काम कर रहे थे, उनका नाम था जीन जगवांस पाउच करके नाम था, उन्होंने पहली बार खोजा था, ठीक है दोस्तों, फ्रांस में। दूसरी बार कब खोजा गया, दूसरी बार जब खोजा गया वो खोजा गया था मंगोलिया में 1923 में, वहाँ पे एक म्यूजियम है अमेरिकन म्यूजियम करके, वहाँ पे ये चीज़ें खोजी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार खोजा गया है, लेकिन हाँ इस बार जो खोजा गया है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे पाए गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घोंसले पाए गए हैं और अभी खुदाई हो रही है। अभी वहाँ के जो रिसर्चर है उनका ये मानना है यहाँ पे बहुत सारे अंडे अभी पाए जाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों कि वहाँ पे एक तरीके से उसको ऐसा बना दिया जाए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलानी आ सके, ठीक है, एक तरीके से हेरिटेज बना दिया जाए ताकि वहाँ पे क्या हो, वहाँ का विकास भी हो सके और बहुत ज़्यादा सैलानी आ सके डायनासोर के नाम पे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहें, और शेयर करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको जो आपके भाई हैं दोस्त हैं उनको पता चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।